बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड्स ऑफ फोर्स। तो फील्ड ऑफ फोर्स क्या होती है हमारे पास? फील्ड ऑफ फोर्स रीजन ऑफ अ स्पेस सराउंडिंग ए बॉडी सच एज चार्ज और मैग्नेट इज कॉल्ड फील्ड ऑफ फोर्स। अगेन आई रिपीट इट, रीजन ऑफ अ स्पेस सराउंडिंग ए बॉडी सच एज चार्ज मैग्नेट एटसेट्रा, मतलब कि हमारे पास चार्ज के इर्द गिर्द जो रीजन होता है या मैग्नेट्स वगैरह के इर्द गिर्द ऐसा रीजन जिस पर उसकी फोर्सेस एक्ट कर रही हो किसी दूसरे चार्ज या मैग्नेट पे, उसको हम फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। तो हमारे पास इसका एनालिसिस किस तरह किया जाता है कि ये फील्ड किस तरह की होगी? कूलम्स मेरे क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड रिड्यूस फार्मूला व्हिच इज सिमिलर टू दैट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कूलम्स ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और एक फार्मूला ड्रा किया जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बिल्कुल सिमिलर था। इस तरह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह कूलम्स लॉ ने भी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और जिससे इस नतीजे पर पहुंचा कि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। इसी तरह दो अपोजिट सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमारे पास इस चीज़ के लिए हमारे जहन में दो क्वेश्चन प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस? कूलम फोर्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमारे पास दो फोर्सेस हैं, इनका ओरिजिन क्या है? और उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन राइज होता है वो ये है, हाउ दीज फोर्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी और चार्ज टू अनदर, यानी ये जो हमारे पास फोर्सेस हैं जो एक बॉडी या एक चार्ज से दूसरे के ऊपर किस तरह लागू होती हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर स्टिल अननोन है क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट इसको सेटिस्फैक्टरीली डिस्क्राइब नहीं कर पाया। हाउएवर ये कहा जाता है कि ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर होती है कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। और इसी तरह हमारे पास हैवी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स सिस्टम को ही हम ले लेते हैं कि अर्थ एक हमारे पास हैवी बॉडी है जो कि बाकी इसके अंदर जितनी भी चीज़ें उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन था, हाउ दीज फोर्सेज ट्रांसमिट फ्राम वन बॉडी और चार्ज टू अनदर, इसका आंसर हमारे पास माइकल फैराडे ने दिया था और उसने कंसिडर किया था एक चार्ज जिसके सराउंडिंग में उसकी फील्ड थी और उसने उस फील्ड के अंदर एक और टेस्ट चार्ज को रखा और जिसकी वजह से दोनों पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सबसे पहले उसने एक चार्ज लिया क्या और उसके इर्द गिर्द क्या थी फील्ड, इसको सराउंड कर रही थी। अब उसने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा इस फील्ड के अंदर, ये हमारे पास जो चार्ज है जो उसने रखा हुआ था स्टैटिक चार्ज वो पॉजिटिव चार्ज था और उसने एक क्यू नॉट चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है और उसका वो भी पॉजिटिव चार्ज है वो इसकी फील्ड के अंदर रखा और उसने ऑब्जर्व किया कि इसके ऊपर चार्ज क्यू का क्या इफेक्ट होता है। तो इसकी भी कोई ना कोई फील्ड थी, तो क्यू जो चार्ज हमारे पास था ये क्वांटिटी के लिहाज से क्यू नॉट से बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी में क्या था वो इंक्रीजमेंट थी या ये बहुत बड़ा चार्ज था इसके लिहाज से। और हमने क्यू नॉट ऐसा चार्ज रखना है कि जो क्यू नॉट की फोर्स और या फील्ड ऑफ फोर्स को रिटार्ड ना कर सके। जब उसने इसकी फील्ड में क्यू नॉट को रखा तो क्या हुआ, हमारे पास क्यू नॉट ने इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई की और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये चार्ज उसकी फील्ड से बाहर निकल गया।
इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। यानी कोई भी टेस्ट चार्ज है, चार्ज उसको हम किसी भी फील्ड में रखेंगे, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें क्या है, टेस्ट चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एफ क्या है, जो क्यू की वजह से इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। इसी तरह हमारे पास फिर फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट ई। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दें। अब हम लेट्स सपोज करते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी भी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो भी क्या होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, उसकी डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, तो हम डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज दैट कि हमारे पास फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है उसका यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, और यूनिट वेक्टर है। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के मुताबिक हमारे पास फोर्स किसके बराबर थी, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q2 थी, लेकिन इस केस में हमारे पास Q1 की जगह Q है सिंपल, और Q2 की जगह क्या है, Q0। तो हम क्या लिखेंगे, Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और उसमें हमारे पास पहले दो चार्जेस थे Q1 और Q2, उनके लिहाज से हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स क्या, उनके जो यूनिट वेक्टर्स थे वो क्या थे, R12, R21। लेकिन इसमें हमारे पास सिंपल हम कोई भी जनरलाइज R यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने जब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वगैरह फाइंड करनी है, और इसमें हम एफ की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज था, तो फोर्स की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें, हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और इसमें हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में Q0 की मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ हम Q0 को मल्टीप्लाई कर देंगे R यूनिट वेक्टर, Q0 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी उसकी वैल्यू वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस तरह के टर्म्स को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतनी काफी है।